तब तो बड़ा ही आनंद आएगा। मधुर पकवान बनेंगे, नए नए वस्त्र मिलेंगे और भी बहुत सारी वस्तुएं मिलेंगी। चलो चलो, इस उत्सव को भव्य होना चाहिए। बहुत सारे कार्य करने हैं, चलें। हाँ हाँ, हनुमान को भी बहुत सारे कार्य करने हैं। महाराज, महाबली कुंभकर्ण को जगाने का समय हो गया है। सारी व्यवस्था हो चुकी है। आइए राजमाता, आइए महाराज। कुंभकर्ण को जगाने की प्रक्रिया आरंभ करो। कुंभकर्ण, सेवक और सेविकाएं तो मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। हाँ भाभी, किंतु हम कर भी क्या सकते हैं। भैया, कुंभकर्ण के विशाल काया के समक्ष सब विवश है। इसे जगाना सहज नहीं है। दशग्रीव, कुछ करो। एक उपाय है माता। जी माता।
माताश्री और स्वामी को क्या हुआ? लगता है कुछ विशेष करने वाले हैं। माता, कुंभकर्ण को जगाने के लिए इससे अच्छा कोई और उपाय नहीं है। आशा तो यही है कि ये उपाय काम कर जाएगा। लगता है अब ये जाग जाएगा। कुंभकर्ण की नासिका के और समीप लेके जाओ भोजन को। जैसे ही इसकी भूख जागेगी ये भी जाग जाएगा। हाँ माता, भूख तो अच्छो अच्छो की नींद उड़ा देती है। दशग्रीव, तुम्हारी युक्ति काम कर ही गई। मेरा भाई कुंभकर्ण जाग गया। भोजन प्रिय भोजन, आज कितने माह बाद तुम्हें मैं ग्रहण करूंगा। भोजन के पश्चात हम ये जान जाएंगे कि वो कौन सा रहस्य था जिसके कारण ये भयभीत था। जिसे जानने के लिए हम 6 माह से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माते, माता, माता श्री का क्या होगा? भ्राता दशानन, भ्राता दशानन, आपको कहीं क्या हुआ? कुंभकर्ण शांत हो जाओ पुत्र, शांत। माते, भैया का क्या होगा? भैया दशानन, आपका क्या होगा भैया? कुंभकर्ण, तुम जैसे महाबली विशाल राक्षस का यूं बालकों की भांति भयभीत होना शोभा नहीं देता। शांत हो जाओ पुत्र और बताओ बात क्या है, क्यों भयभीत हो, किस बात की चिंता है तुम्हें? माताश्री,
ये चिंता की बात ही है माताश्री। जिस बड़े भाई ने मुझे पिता के समान स्नेह दिया हो, यदि उन्हें कुछ हो जाए और मैं चिंता ना करूं, ऐसा किस प्रकार संभव है माताश्री? परंतु मुझे हुआ क्या है कुंभकर्ण? मैं तो सकुशल तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। नहीं भैया, वो क्या है कि मैं आपको बताता हूं बड़े भैया, पिछली बार 6 माह पूर्व जब मैं जागा था तब आप तो थे नहीं बड़े भैया, तब कितना सुंदर झरना है, इसे देखकर तो मेरी प्यास और बढ़ गई। क्यों ना इसका जल ग्रहण कर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। घनघोर वन में नारायण नारायण बोल रहा है? कुंभकर्ण। कभी झुकना भी आना चाहिए। देवर्षि नारद, प्रणाम। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था कि आप ही होंगे। तो क्या है ना देवर्षि, आप मुझे दिखे ही नहीं। कुंभकर्ण, चाहे बड़ी दे वाले हूं या पद में बड़े हूं, बड़ों को कभी कभी झुक भी जाना चाहिए। देवर्षि, आप कभी कभी बड़ी गूढ़ बातें कह जाते हैं, स्पष्ट कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। अब जैसे तुम्हारा बड़ा भाई रावण, वो तो बस नारायण नारायण, स्वयं को सबसे ऊंचा महान समझता है। नर वानर तो जैसे उसके समक्ष कीड़े मकोड़ों के समान है। देवर्षि, आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। साफ साफ कहिए कि आप भ्राता श्री रावण के बारे में क्या कहना चाहते हैं। नारायण नारायण, विष्णु देव ने नर अवतार धारण किया है, उनका जन्म हो चुका है रावण का वध करने के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप? कहां लिया है विष्णु ने अवतार, बताइए मुझे। नारायण नारायण, देवर्षि
मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए देवर्षि। ये क्या कह रहे हो कुंभकर्ण? वो छलिया विष्णु नर अवतार में? हाँ भैया, और आप भी तो इस बात से भलीभांति परिचित कि उस विष्णु के कारण हमारे असुर वंश के कितने महावीर हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप और न जाने कितने ही महाबलियों का अंत हुआ। विष्णु का नर अवतार और सुमेरु में सूर्य निगलने वाला वो वानर, केवल नर और वानरों से ही मेरे पुत्र को खतरा है। अब क्या होगा भैया दशानन? कुछ नहीं होगा पुत्र, हम है ना माताश्री। मेरा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, तो ना ही मेरा भोजन करने का जी करता। बस मुझे एक ही चिंता सताई जा रही, क्या होगा हमारी इस लंका का, क्या होगा हम सबका भैया? कुछ तो कहिए कुंभकर्ण। ये ध्रुव देवता कितना भी छल कपट कर ले, कोई भी अवतार धारण कर ले, किंतु हमारे पुत्र रावण का ये कुछ भी अहित नहीं कर सकते। किंतु माताश्री, स्वयं देव ऋषि नारद मुनि ने आकर चेतावनी दी है, समय रहते हमें संभल जाना चाहिए। वो नारद भी तो कम ध्रुव नहीं है, इधर की उधर लगाता फिरता है। छह माह हो चुके हैं उस नारायण को अवतार लिए हुए और मुझे कोई सूचना नहीं। मेरे गुप्तचर कहां सो रहे हैं? मित्र मारुति, वो मैं कह रहा था। हाँ? मित्र हनुमान। मित्र नील, नल, सुषेण, ददीमुख, तुम सब मेरे अभिन्न मित्र हो। तुम जो चाहो मुझे बुला सकते हो, मारुति या हनुमान। मित्र तो तुम्हारा वही रहूंगा ना मैं। ये भैया को क्या हो गया? इतना गंभीर विषय है फिर भी हंस रहे हैं। सच में हमें कोई मार सकता है? रावण है हम, अहम ब्रह्मास्मि, हमारा तनिक सा भी कोई अहित नहीं कर सकता। तुम्हारा यही अहंकार तुम्हें एक दिन ले डूबेगा दशग्रीव। शक्तिशाली होने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम सावधान न रहो। एक विशाल वृक्ष को भी छोटा सा दीमक खोखला कर देता है और एक दिन वही विशाल वृक्ष धाराशाही हो जाता है। राक्षस कुल के उत्थान के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैं चाहती तो किसी भी राजा से विवाह करके भैलों का सुख भोग सकती थी। वन में आश्रम बनाकर रहने वाले वृद्ध ऋषि से विवाह किया। किंतु माता, पिताश्री ऋषि विश्वरा से आपने विवाह तो स्वेच्छा से किया। रक्ष कुल के कल्याण के लिए ये विवाह आवश्यक था विभीषण, जिससे कि मेरी संतान ब्रह्मषि विश्वा के कारण
ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो और हमारे रक्त वंश के कारण उसमें राक्षसों की असीम शक्ति हो। असीम शक्ति के साथ जो महाज्ञानी होगा वही समस्त संसार पर राज कर सकेगा। किंतु न जाने क्यों मेरा यह स्वप्न मेरी संतानें पूरा कर भी पाएंगी या नहीं। धरती लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक हर कोई मेरे नाम से ही थर थर कांपता है। पाताल तो समूचा हमारे रक्षवीरों के अधिकार पे है। किंतु आज भी धरती पर अनेकों राजा और राज्य हैं जो तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं करते, स्वाधीन है अभी भी। तो उन्हें भी एक दिन पराधीन होना पड़ेगा माता। हमारी सत्ता उन्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। यदि तुम तीनों की तपस्या पूर्णतया फलीभूत हो जाती तो अवश्य मेरा सपना भी पूर्ण हो जाता। किंतु माता, हमारी तपस्या तो सफल हुई थी। सफल होने का फल क्या मिला विभीषण? मैंने असुरों के उत्थान के लिए तुम्हें वर मांगने के लिए कहा था, किंतु तुमने क्या मांगा, स्मरण है? ओम ब्रह्मदेवाय, ओम ब्रह्मदेवाय, ओम ब्रह्मदेवाय, ओम ब्रह्मदेवाय। नेत्र खोलो विभीषण। प्रणाम पितामह ब्रह्मा जी। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो विभीषण। पितामह, माता ने तो कुछ और ही कहा था मांगने को, किंतु समझ में नहीं आ रहा वो मांगूं या कुछ और। मैं तुम्हारी दुविधा समझता हूं पुत्र। तुम्हारे निर्मल हृदय में भक्ति और श्रद्धा की एक ज्योति जल रही थी, जो तपस्या के प्रभाव से वही भक्ति की ज्योति तुम्हारे हृदय में सूर्य बनकर आलोकित हो रही है। और ये भी सत्य है कि जिसने हृदय की सुन ली उसी का कल्याण हुआ है। परम पितामह, आपने मेरी दुविधा को समाप्त कर मुझे भक्ति और श्रद्धा का ही वरदान दीजिए। मेरा मन सदैव प्रभु की भक्ति में रमा रहे। तथा यही भक्ति भावना तुम्हारा कल्याण करेगी वत्स विभीषण। शक्ति के स्थान पर तुमने भक्ति मांग ली थी विभीषण। भक्ति मांगने वाला किसी के हृदय पर तो राज कर सकता है, पर संसार पर राज नहीं कर सकता। इसलिए तुमने मुझे निराश किया था। और तुम कुंभकर्ण, तुम तो विचित्र ही वर मांग बैठे। मैं क्या करता माते, उस कपटी इंद्र के कारण मैं भी चला गया। मैं तो उससे माता, परमपिता ब्रह्मदेव तो कुंभकर्ण को वरदान देने गए और वरदान में कुंभकर्ण स्वर्ग का सिंहासन मांगने वाला है। यदि स्वर्ग पर राक्षसों का शासन हो गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपका कथन सत्य है देवराज, किंतु आप मुझसे क्या चाहते हैं? माता सरस्वती, आप तो संसार के समस्त ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, ज्ञान के भंडार वेदों और शक्ति के भंडार मंत्रों का शुद्ध उच्चारण आपकी कृपा से ही होता है। माता, आप कुंभकर्ण के जिह्वा पर विराजकर कुछ ऐसा कीजिए कि वो इंद्रासन ना मांग सके। देवराज इंद्र, संसार के कल्याण के लिए यही करना उचित होगा। आप निश्चिंत रहिए। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। नेत्र खोलो वत्स।
ब्रह्मदेव। राम परम पितामह। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, वर मांगो वत्स। पितामह, मेरी एक ही इच्छा है, मुझे आप फिर निन... क्या हुआ पितामह? मुझे आप फिर निन... क्या हुआ पुत्र, क्या सोच रहे हो? ये मुझे क्या हो रहा, बार बार मेरे मुख से इंद्रासन के स्थान पर कुछ और क्यों निकल रहा है? क्या सोच रहे हो वत्स कुंभकर्ण? परम पितामह, मुझे जो चाहिए, मैं जो आपसे मांगना चाहता हूँ वो है इंद्रासन। इंद्रासन तथा परमपिता, रुकिए परमपिता। माताश्री, मैं पुकारता रह गया और परम पितामह ब्रह्मदेव चले गए। अब आप ही बताइए माताश्री, इसमें मेरा क्या दोष है? जब परम पितामह ही देवी सरस्वती स्वयं इंद्र का साथ दे, अब उन्हीं के कारण मेरे मुख से इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन निकल गया। अब आप ही बताइए माता, इसमें मेरा क्या दोष है? परंतु माता, मैंने क्या भूल की? मैंने तो वही किया ना जो आपने कहा था। परमपिता ब्रह्मदेव, अभी तक आपने मेरी तपस्या सफल नहीं की, अब मेरे इस जीवन का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। मेरा ये 10वां और अंतिम शीश आपके चरणों में अर्पित है। बस पुत्र रावण, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हम तुमसे प्रसन्न हैं। हम सर्वप्रथम तुम्हें तुम्हारे शीश पुनः प्रदान करते हैं। शीश प्रदान करने के लिए धन्यवाद परमपिता ब्रह्मा जी। वर मांगो वत्स रावण। मैं अमर होना चाहता हूं, अभी नांद हो, ऐसा वरदान चाहिए मुझे। आदि और अंत, जीवन एवं मृत्यु, इसी से संसार चलता है। इस संसार में कुछ भी अमर नहीं है, जो भी उत्पन्न होता है उसका अंत तो होना ही है। तुम कोई अन्य वर मांग लो रावण। नहीं परमपिता ब्रह्मा जी, मुझे अमर होना है, अमरता का वरदान चाहिए मुझे। मृत्यु को बाधित करना भी तो अमरता के समान ही होता है। रावण, तुम कुछ ऐसा वरदान मांग लो जिससे तुम्हारी मृत्यु बाधित हो जाए। उचित कह रहे हैं आप, मेरी मृत्यु किसी भी देव, दानव, नाग, किन्नर, यक्ष, गरुड़, गंधर्व, विद्याधर और आदि के हाथों ना हो सके। और नर एवं वानर? नर एवं वानर वो तो तुच्छ हैं पर पितामह, उन्हें छोड़ सबसे अन्य अवधे होने का वरदान चाहिए मुझे। तथा यही तो तुमने भूल कर दी थी दशग्रीव, नर और वानर को तुच्छ समझा तुमने, और आज वही नर और वानर तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। एक ओर विष्णु ने नर अवतार धारण किया है और दूसरी ओर एक ऐसा वानर भी है जो बाल अवस्था में ही सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। सूर्य तो स्वयं मेरा दास है माता, वो नाचता है मेरे एक संकेत पर। इतना ही नहीं, ये समस्त ग्रह मेरे अधीन है।
और जहां तक उस वानर बालक की बात है तो उसका प्रबंध मैं कर चुका हूं। मित्र हनुमान, ये कितना अच्छा नाम है ना मित्र। हाँ, वैसे भी ये नाम तुम्हें देवताओं ने वरदानों के साथ दिया है। बलबला बलबल, बताओ 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 अपने वरदान के बारे में, क्या क्या मिला है तुझे? यही तो जानना है मुझे। बलबला बलबल, तुम लोग तो कल्पना भी नहीं कर, लंकापति रावण ने क्या क्या बोला है मुझे। बलबला बलबल, अतिबल, तुम जो जानकारी उस वानर बालक के बारे में लाए हो वो अभी अधूरी है। उसे कौन कौन सी शक्तियां वरदानों में मिली है हमें उसकी जानकारी चाहिए। अवश्य। 10। अतिबल, ये लो, ये मायावी खिलौना उसे जाकर दो। अवश्य राजमाता, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। कुंभकर्ण, हम शीघ्र ही पता लगा लेंगे कि उस छलिया विष्णु ने कहां जन्म लिया है, इसलिए अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और हां, जहां तक बात है उस बालक वानर हनुमान की, तो उसकी भी शक्तियां गुलवा लेगा हमारा अतिबल। बलबला बलबल, बोलो हनुमान बोलो। मित्र, तुम हमें बताओगे नहीं तुम्हें क्या क्या वरदान मिले हैं? हाँ हाँ हाँ, बताओ ना। हाँ, बोलो। मित्रों, तुम सबको ज्ञात है ना, मुझे बहुत सारी शक्तियाँ मिली हैं। हाँ? वरदानों में अब मैं महाशक्तिशाली हो गया हूँ। हाँ? महाबलशाली। बलबला बलबल, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, कितने शक्तिशाली हुए मित्र। हाँ? बहुत शक्तिशाली। तो दिखाओ अपनी शक्ति। हाँ हाँ, 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 हाँ। मैं वचन देता हूँ माँ, सबके सामने इन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करूंगा। और पास में जाके सुनता हूँ। बलबला बलबल, वो मित्रों, माँ ने मना किया है कि सबके सामने अपनी शक्ति का प्रयोग ना करूं। आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना। वो छोटा बालक है, यदि तुम थोड़ा सा भी उसे उकसा दोगे तो उसकी सारी छिपी हुई शक्तियां बाहर आ जाएंगी। बलबला बलबल, हम सोचते कुछ है और निकलता कुछ और है हनुमान। ये वामन कौन है मित्र? अरे, आप तो वही है ना जो गड्ढे में गिरे बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, आप वही है ना? हाँ हाँ, वही वही। बलबला बलबल नाम है मेरा, अतिबल। उस दिन मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं कर पाया था ना, इसलिए आज आया हूँ। किंतु तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम अभी कुछ अबोध हो। अबोध नहीं तो ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, यदि किसी को कुछ विशेष मिलता है तो वो जांच परख लेता है कि जो मिला है वो सचमुच में वैसा है भी या नहीं। यदि तुम अपनी शक्ति से किसी की सहायता करने का प्रयास करो और तब तुम्हें ज्ञात हो कि जो मिला था वो तो है ही नहीं। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। तब
तब तुम क्या करोगे? बोलो बोलो। बलबला स्वामी, तो क्या हनुमान अति बल के उकसाने में आ गए? और क्या उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया? किसी के उकसाने पर तो भावना में बह जाना स्वाभाविक है प्रिय। भावना में बहकर कभी कभी मनुष्य ऐसे कार्य कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, जिसके लिए बाद में उन्हें पश्चाताप भी करना पड़ता है। हनुमान भले ही अबोध हैं, किंतु उनकी हर लीला प्रभु की लीला है। तो क्या हनुमान अतिबल की बातों में नहीं आए? प्रिय, जब बहुत सारे मित्र घेर कर खड़े हों, या कोई और अपने स्नेही जन किसी एक बात के लिए या किसी एक कार्य के लिए बार बार कह रहे हों, तो कभी कभी मनुष्य दबाव में आकर या उकसाने के कारण उन्हें दिखाने के लिए ना चाहते हुए भी वो कार्य करने के लिए विवश हो जाता है। और फिर हनुमान तो अबोध बालक ही हैं। यही युक्ति अति बल भी अपना रहा था। ये अति बल कह तो सत्य ही रहे हैं। सोच क्या रहे हो हनुमान, मैं तुम्हें विवश कर दूंगा अपनी शक्तियां बताने के लिए। अच्छा अब तुम ही लोग बताओ, मैंने कुछ अनुचित कहा क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं ना नहीं। थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। यदि तुम मुझसे शक्तियों के बारे में जानोगे ही नहीं तो उसका प्रयोग कैसे करोगे? कैसे ध्वनि थी? ये क्या हुआ मित्र? ये कहाँ से ध्वनि आ रही है? लगता है ज्वालामुखी फटा है। मित्रों, हमें शीघ्र ही घर चलना होगा, इसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ सकता है। हाँ हाँ, घर वाले भी बहुत चिंतित होंगे। शीघ्र ही घर चलो, घर चलो। रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? अब तो समय आया है हनुमान अपनी शक्तियों का प्रयोग करे। हनुमान, तुम्हारी माता ने यही कहा था ना, जब आवश्यकता पड़े तब ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना, कहा था ना? हाँ हाँ। तो लो हनुमान, आवश्यकता उत्पन्न हो गई है, वो देखो। वहां देखो हनुमान, उस पर्वत पर रह रहे जीव जंतुओं का जान संकट में। उन्हें बचा लो हनुमान और प्रयोग कर लो, प्रयोग कर लो अपनी शक्तियों का। बंद कर दो उस ज्वालामुखी को, अन्यथा अन्यथा ये मान लो कि वरदान में तुम्हें कोई शक्तियां मिली ही नहीं।
सोच रहे हो हनुमान? यही अवसर है, यही अवसर है अपनी शक्तियों को प्रयोग करने का। तुमने सत्य कहा मित्र, यही अवसर है किसी की सहायता करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। धन्यवाद मित्र, मुझे अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए। अविश्वसनीय है ये। हमारा मित्र ऐसा कर रहा है, हम सोच भी नहीं सकते थे। अद्भुत है हमारा मित्र हनुमान। हाँ। अरे ये तो युवराज ही है, क्या कर रहे हैं ये यहाँ? हमें महाराज को बताना होगा। चलो शीघ्र चलो, चलो चलो। अब नहीं बहेगा लावा और किसी प्राणी को भी कष्ट नहीं होगा। अरे ये क्या हो गया, ये तो और विस्फोट हो गया। हाँ। क्या होगा मित्र हनुमान? हनुमान वो देखो, पुनः पर्वत टूटा। जाओ हनुमान जाओ और अपनी समस्त वरदानी शक्तियों से रोक दो उस विध्वंस को। मुझे पुनः जाना होगा। जाओ हनुमान जाओ। अरे हनुमान तो पुनः चला गया। ये तो बड़े ही आनंद की घड़ी है अतिबल। या तो इस वानर बालक के शक्ति का अनुमान हो जाएगा या तो ये वानर बालक मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। बल 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 बल। दोनों ही स्थिति में ला तो तेरा ही है अतिबल। दशानन को प्रसन्न करने का अवसर मिलेगा तुझे अति बल 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 बल। मित्र हनुमान आ जाओ, आ जाओ नीचे आ जाओ। हनुमान नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हनुमान नीचे आ जाओ। देखो हमारे मित्र को,
से रोक रहा है ज्वालामुखी को। स्वामी, ये क्या किया हनुमान ने? ज्वालामुखी का मुंह बंद करके उसके प्राकृतिक प्रवाह को ही रोक दिया। लावा का यदि दबाव बढ़ेगा तो वो धरती को कहीं और से फाड़कर बाहर आ जाएगा। ये तो विनाश का कारण बन सकता है ना महादेव? प्रकृति की क्रिया और प्रक्रिया होती है, इसलिए उसके प्राकृतिक प्रवाह को रोकना अनुचित है, अन्यथा परिणाम अनर्थकारी होता है। हनुमान अभी अबोध है, उसने ये कार्य बालपन में किया है, उसके भोलेपन का लाभ उठाकर उससे ये अनुचित कार्य कराया गया है, किंतु इस घटना से हनुमान उचित और अनुचित की सीख अवश्य लेगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। क्या बात है सैनिको, इतने भयभीत क्यों हो? महाराज, वो वहां जंगल में युवराज, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी फटने की ध्वनि तो मुझे भी आई थी, किंतु हनुमान, हनुमान सकुशल तो है? पता नहीं महाराज, वो ज्वालामुखी का मुख बंद करने का प्रयास कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? हनुमान, ज्वालामुखी, शीघ्र चलो। हनुमान, पुत्र हनुमान। अब क्या करूं मैं? बलबला बलबल, बड़ा ही आनंद आ रहा है। अब तो निश्चित ही हनुमान बड़े संकट में है। कैसे रोकूं इन्हें मैं? बल, हर बार तुम्हें फंसता आती बल। चारों ओर लावा ही लावा फूट रहे हैं। अरे, ये तो बड़ी विकट सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरे सारे मित्र भी अग्नि में गिर गए होंगे। ये क्या? अब क्या करूं? कैसे रक्षा करूं इन सब की? ये लावा तो विकराल रूप लेता जा रहा है। मुझे अपने मित्रों को ढूंढना ही होगा। हाँ, नल, नील, तदिमुख, सुषेण, गंधमादन, कहाँ हो तुम सब? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा।
अब तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। सुषेण, गंधमादन, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। इस विकट स्थिति में हमें साथ रहना चाहिए। चलो चलो, शीघ्र चलो, शीघ्र शीघ्र, अति शीघ्र। चलो मित्र। हनुमान, पुत्र हनुमान, युवराज हनुमान, युवराज हनुमान, पुत्र हनुमान, युवराज हनुमान। पहले तो कभी ऐसा विस्फोट नहीं हुआ महाराज। ये ज्वालामुखी सब कुछ नष्ट कर देगा। हमें शीघ्र चलना चाहिए यहाँ से। मित्रों, कहाँ हो तुम सब? मित्रों, ये तो बड़ा ही भयानक रूप ले रहा है। ये देखिए महारानी जी, ये वस्त्र आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। इनमें आप और भी सुंदर दिखेंगी। मेरे लिए बाद में दिखाना, पहले मेरे पुत्र हनुमान के लिए तो कुछ दिखाइए। जी महारानी जी। ये देखिए महारानी जी, ये हार हमारे युवराज पर बहुत अच्छा लगेगा। ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। देखो माँ, हनुमान के देह पर और भी शोभा देगा ये, और इस उत्सव की शोभा भी देखना तुम सब। ऐसा भव्य उत्सव होगा जैसा पहले कभी न किसी ने देखा होगा न सुना होगा। राजा महाराजा तो आएंगे ही, स्वर्ग लोक में देवताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है। भगवान, ये क्या हो रहा है? महारानी जी, ज्वालामुखी फट पड़े हैं वन में, और महाराज भी उसी ओर गए हैं। हनुमान कहाँ है? वो कुशल से तो है कि नहीं? हनुमान, हनुमान तो अपने मित्रों के साथ बाहर गया था। नील, अतिमोक्ष, सुषेण, गंधमादन, कहाँ हो तुम सब? अब क्या करूं? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानों पर भी ज्वालामुखी फूटने को है। अब मैं और नहीं चल सकता, मेरी सांस घुट रही है।
साहस से काम लो सुषेण, हमें कोई सुरक्षित स्थान पर चलना होगा। हाँ चलो चलो। ये संकट तो और बढ़ रहा है। हे महादेव, मेरे पुत्र की रक्षा करना, उसे शक्ति देना कि यदि कोई संकट में हो तो वो उसकी सहायता भी कर सके। प्रजा, पावक और पानी अर्थात जनसमूह, ज्वाला और जल, इनके प्रवाह को अप्राकृतिक और अनुचित रूप से दबाने या रोकने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। जनसमूह विद्रोह कर उठता है, अग्नि भीतर ही भड़क कर बड़े विनाश का कारण बनती है और जल बंधन तोड़कर सब कुछ बहा ले जाता है। दमन और दबाव कोई भी सहन नहीं करता, ना तो मनुष्य और ना ही प्रकृति। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जितनी शक्ति से इनका दमन किया जाएगा, उतनी ही शक्ति से दमन के विरुद्ध इनकी प्रतिक्रिया होगी और परिणाम कभी कभी बहुत विस्फोटक और विनाशकारी होते हैं। इसीलिए कभी भी शक्तियों का प्रयोग करना हो तो उनकी प्रतिक्रिया और परिणाम के विषय में भली भांति सोच विचार कर करना चाहिए। चारों ओर से लावा फूट रहा है, ये क्या हो गया? अब सुमेरु वासियों का क्या होगा? अग्नि के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा महाराज, और लावा निकलने की ध्वनि के कारण सुनाई भी नहीं दे रहा है। लावा अति तीव्रता से निकल रहा है। यदि ये नगर की ओर गया तो महाविनाश निश्चित है। सैनिकों, शीघ्र जाओ, सबको सचेत करो और लावा के मार्ग में जो भी आए उसे हटाओ। जो आज्ञा महाराज। चलो। ये हनुमान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अन्य बालकों के साथ राजभवन लौट गए हो? हो सकता है। हमें शीघ्र नगर की ओर जाना चाहिए और सबको सचेत करना चाहिए। चलो। जी महाराज, चलो। ये तो नल व मित्रों के स्वर हैं, किंतु वे हैं कहाँ? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें और कैसे रोकूं ये सब? क्या करूं? कुछ तो करना होगा।
मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? लावा भी बढ़ता ही जा रहा है, क्या करूं? अब तो उनकी ध्वनि भी नहीं सुनाई दे रही है। कहीं लावा ने उन्हें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूं क्या करूं, कैसे ढूंढूं मित्रों को? अब तुम नेत्र बंद करके पूर्णतः एकाग्रचित होकर अपनी देह में विद्यमान इन तत्वों पर ध्यान केंद्रित कर। ध्यान लगाकर सुनो, मित्रों का स्वर अवश्य सुनाई देगा। मित्रों, एकता की शक्ति के समक्ष कोई भी संकट नहीं ठहर सकता। हम एक होकर ही हर संकट से पार पा सकते हैं। मित्रों, सब अपना हाथ कसकर पकड़ लो, हम धीरे धीरे खिसक कर आगे बढ़ेंगे। पकड़ते एक दूसरे का हाथ, मित्र पकड़ो। मित्र हनुमान, पर हम खिसक के जाएंगे कहाँ? हाँ मित्र, आगे कोई रास्ता भी नहीं है, लावा भी चारों ओर से बढ़ रहा है। तुम सत्य कह रहे हो मित्र, मैं आगे बढ़ते लावा को फूंक मार कर रोकता हूँ। तुम्हारी इतनी तीव्र फूंक से तो हमें उड़कर लावा में गिर जाते। तुमने सत्य कहा। अब मैं कैसे सुरक्षित निकालूं तुम सबको? सखा, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। अब पूरी हुई ना हमारी एकता की शक्ति। सहायता करो हमारे मित्रों की। मित्रों, इसे कस कर पकड़ लो। हम एक भ्रमण पर चलेंगे अब। दशग्रीव, सब पर विजय पानी हो तो शक्ति का संचय और शक्ति का प्रदर्शन दोनों आवश्यक है। शक्ति प्रदर्शन से ही भय उत्पन्न होता है और भय विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए जितना अधिक भय फैलाओगे इस संसार में, उतना ही अमर और अजय रहोगे पुत्र। यह अनुचित। राजा को अपनी शक्ति का प्रयोग प्रजा की रक्षा के लिए करना है, उनकी भलाई और सुख समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। शक्ति, सामर्थ, सत्ता सबको प्राप्त नहीं होती स्वामी। इसका सदुपयोग करके मनुष्य महान बन सकता है और दुरुपयोग करके स्वयं के पतन का कारण बन सकता है। और स्वामी, आपको संसार के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। महारानी मंदोदरी, क्यों छोड़ा अपने इन बंदियों को?
पूर्णमासी के दिन इनकी बलि चढ़ानी थी हमें। महारानी पहले तो आपने हमारे बंदियों को स्वतंत्र कर दिया और अब आप हमें प्रवचन दे रही हैं। आपका केवल एक ही धर्म है, पतिव्रत धर्म, केवल वही निभाइए और जब मुझे आपके सुझाव की आवश्यकता होगी, जो कभी होगी नहीं, तो तुम्हारी सलाह ले ली जाएगी। तशरीफ, पति पत्नी के मन मुटाव से अपना ध्यान हटाओ पुत्र, और अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करो। अपने रुके हुए यज्ञ पूर्ण करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उनसे परामर्श लो कि असुरों के उत्थान के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जी माते, मेरे निश्चर मायावी गुप्तचर उपस्थित हो। आज्ञा दीजिए लंकेश। दूत, मेरे समस्त निश्चर दूतों को सक्रिय कर दो। उन्हें कहो सुमेरु और अन्य स्थानों पर भेजो। उन्हें ज्ञात करो कि हम असुरों के विरुद्ध कहां कहां और कौन कौन षड्यंत्र रच रहा है। और हां, गुरुदेव शुक्राचार्य से भी कहना कि लंकेश ने उन्हें विशेष परामर्श के लिए स्मरण किया है। जो आज्ञा लंकेश। सखा ने आकाश भ्रमण करा के हमें आनंदित कर दिया। आकाश भ्रमण भी कराया और हमें संकट से भी बचा लिया तुम्हारे सखा ने। धन्यवाद सखा। मित्रों, तुम सब सकुशल और सुरक्षित तो हो ना? हाँ हाँ, हम सब सुरक्षित हैं। किंतु तुम्हारे उस नए मित्र अतिबल, उसके बारे में तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं कि वो कहाँ रह गया? हाँ अतिबल, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही उसके बारे में भी ज्ञात कर लूँगा। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो मुर्खो? अतिबल तो कब से यहाँ छिपा बैठा है। बल बला बल बल, ये तो आरंभ है, अंत की तो तुम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। वानरों, जो कार्य मुझे लंकापति रावण ने सौंपा है वो तो मैं वो तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। अंजना, 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 क्या हुआ आपको? प्राकृतिक आपदा आ पड़ी है अंजना। प्रकृति रुष्ट हो गई है सुमेरु से।
ज्वालामुखी फट पड़ा है, लावा इसी ओर बढ़ रहा है। यदि उसका प्रवाह ऐसा रहा तो शीघ्र ही सारा का सारा नगर जल जाएगा। और ये सब हनुमान की भूल के कारण हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? वन में एक ज्वालामुखी स्वाभाविक रूप से फूट रहा था, हनुमान ने जाकर उसका मुख बंद कर दिया, जिसके कारण भीतर ही भीतर अग्नि भभकने लगी। दबाव के कारण ज्वालामुखी अलग अलग स्थानों से फूट पड़ा है। विकराल रूप धारण कर लिया है उसने। हे भगवान, ये क्या कर दिया हनुमान ने? कहाँ है वो? उसे बुलाओ तो। हनुमान तो यहाँ है ही नहीं, वो तो बाहर गया था अपने मित्रों के साथ। भवन लौटा नहीं? अर्थात वो अभी तक वही है। आश्चर्य वो मुझे नहीं दिखा, मैं सोच रहा था वो राजभवन लौट आया होगा। मैं पुनः जाकर देखता हूं। हे महादेव, रक्षा कर। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ लंकेश? सदैव गर्व से उन्मत्त रहने वाले मुखड़े पर विषाद के ये चिन्ह? दैत्य गुरु, ज्ञात हुआ है कि 6 माह पूर्व उस कपटी नारायण ने नर अवतार ले लिया है। आश्चर्य है, 6 माह पूर्व ही तुम्हें इसकी सूचना मिल गई थी और तुम मुझे आज बता रहे हो? कैसे राजा हो तुम, अपने शत्रु की जानकारी भी नहीं रखते? तुम्हें तो अब तक उसका वध कर देना चाहिए था। गुरुदेव, मुझे भी तो अभी ज्ञात हुआ है। आपसे एक आग्रह है, मैं अपने शत्रुओं का वध करने के पूर्व अपने सुरक्षा कवच को सिद्ध करा लेना चाहता हूँ। क्या आप सूर्य ग्रहण के बिना भी मेरे सुरक्षा कवच को सिद्ध करा सकते हैं? गुरुदेव क्या नहीं करा सकते हैं पुत्र? सूर्य ग्रहण के बिना भी अवैधिक यज्ञ से ये तुम्हारे सुरक्षा कवच को सिद्ध करा सकते हैं, उसकी आकर्षण शक्ति को जीवित कर सकते हैं। कर्तव्य है ये इनका, है न दैत्य गुरु? हाँ, हम ये अवैधिक यज्ञ अवश्य कराएंगे। लंकेश, तुम सारी व्यवस्था करो। हमें यही आशा थी आपसे गुरुदेव। लंकेश, इस बार यज्ञ में कोई विघ्न न पड़े, इसकी सारी व्यवस्थाएं तुम्हें करनी होंगी। किंतु माता, अवैधिक यज्ञ धर्म सम्मत नहीं है। विभीषण, देवता हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और तुम हमें धर्म और अधर्म की सीख दे रहे हो। क्या चाहते हो तुम? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? और वो देवता अवसर मिलते ही हमें समाप्त कर दे? रावण है हम, अहम ब्रह्मास्मि। हमारा अंत कर देना कोई बालकों का कार्य नहीं। दशग्रीव की कथन सत्य है पुत्र विभीषण। चील को देखकर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, ये सोचकर कि चील मुझे नहीं देख रहा तो चील को भी मैं नहीं दिख रहा हूँ। उसकी यही भूल उसे मृत्यु के मुख में झोंक देती है। ये यज्ञ होगा,
और इसमें दशग्रीव को असीम शक्तियां प्राप्त होंगी। हनुमान, तुमने ज्वालामुखी के मुख को बंद करके बहुत अच्छा किया। वहां के सभी प्राणियों के प्राण बचा लिए तुमने। अब अन्य स्थलों पर देखो, जहां भी ज्वालामुखी फूट रहा है जाकर उसका मुंह बंद कर दो, फिर सब बच जाएंगे। हाँ हाँ, और लावा भी रुक जाएगा। हनुमान देखो देखो, कैसी विनाश लीला मचा रही है लावा। इस तरह तो वन में रहने वाले जीव जंतुओं के प्राण और भी संकट में आ जाएंगे। तुम सत्य कह रहे हो मित्र अतिबल। अभी देखना मुर्को कैसी बल बला बल बल मचती है। जाओ 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 हनुमान जाओ, अब होगा महाविनाश। तुम तीन ज्वालामुखी बंद करोगे और छह फूटेंगे। सब चिंता ना करें, ये चट्टान रोक लेगी इस लावा को। अब आप सब सुरक्षित हैं। देखो देखो, लावा बहते बहते रुक गया। हम सब बच गए, बच गए हम सब। हे भगवान, हे प्रभु। तो एकत्रित हो रहा है, कुछ ही समय में ये चट्टान के ऊपर से झरने की भांति गिरने लगेगा। हाँ, शिशु के रोने की ध्वनि। तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेरा पुत्र, धन्यवाद हनुमान, धन्यवाद। ढकने पर भी चावल पात्र से बाहर निकल रहे हैं। आप समझा, इस मुख्य ज्वालामुखी के प्राकृतिक प्रवाह को मैं रोकता नहीं तो और भी स्थानों पर ज्वालामुखी फूट कर नहीं आता।
और ये भीषण स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती। प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करना अनर्थ का कारण भी बन सकता है। बाकी सभी ज्वालामुखी को बंद करने के लिए गया है। ये भी ना स्वयं ही संकट मोल ले लेता है। अरे वो देखिए, लावा पहाड़ के ऊपर से आ रहा है। ये क्या, ये तो इसी ओर आ रहा है। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या हो रहा है? एकाएक ज्वालामुखी का फटना और अब लावा यहाँ तक आ पहुँचा। गुरुजी, हमारे आश्रम में भी चारों ओर से लावा आ गया है। बचने का कोई रास्ता नहीं है गुरुजी। लगता है आपकी शरण में हमारे प्राण निकल जाएंगे। नहीं शिष्यों, अंतिम समय तक आशावान रहना चाहिए। न जाने कब और किस रूप में कोई बचाने वाला आ जाए। बस ईश्वर से प्रार्थना करो। कुशल तो होना। हाँ माँ, हनुमान ने हमें बचाया। हनुमान कहाँ है? उसी को तो ढूंढने गया था, वहां उसके मित्र मिल गए। इन्हें हमारे हनुमान ने ही बचाया है। इसका अर्थ वो सुरक्षित और सकुशलता से है। प्रणाम महाराज। सभी ध्यान से सुनिए, नगर के चारों ओर लावा फैल चुका है, इसलिए सब सावधान रहें। ना तो उस ओर जाएं और ना ही अपने पशुओं और बालकों को जाने दें। अभी लावा शीतल होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, इसलिए तब तक के लिए सावधानी रखें। मेरे कारण ही ये लावा यहाँ तक बहकर आया है। मनुष्य तो स्वयं को बचा लेंगे, किंतु पशु पक्षी ये तो चल ही जाएंगे। अब क्या करूं? कुछ तो करना ही होगा। तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाएगी। अग्नि तत्व का कोई भी दुष्प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। अग्निदेव का वरदान। मैंने मना किया था ना तुम्हें ये सब करने से, किंतु तुमने चाहिए। माँ, आ, आ, आ,
उसने ही तो कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना। देखे माँ, संकट टल गया। पिताश्री, अब हम राजभवन चले। पल पल, विश्वास ही नहीं होता अतिबल, इतने छोटे से बालक को इतने बड़े बड़े वरदान। पल पल, क्या हुआ? आप सब मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? आप लोग जाइए, जाइए अपने घर, अपना कार्य कीजिए, जाइए जाइए, अब आप सुरक्षित हैं। चलिए पिताश्री, हम राजभवन चलते हैं। चिन्ह बनते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है मुझे? माता, ये क्या हो रहा है हमारे मित्र हनुमान को? पता नहीं पुत्र, पर भगवान से प्रार्थना करो कि वह शीघ्र सामान्य हो जाए। ये क्या हो गया तुम्हें मेरे लाल? तुम्हारी देह तो अंगार के समान तप रही है। महाराज, युवराज ने नगर वालों को बचाने के लिए लावा को इस तरह से पिया जैसे महादेव ने विष पीकर पूरे संसार को बचाया था, किंतु अब ये स्वयं संकट में पड़ गए हैं। हाँ, उनका भी कंठ नीला पड़ गया था, महादेव पर भी विष का प्रभाव पड़ा था, हनुमान पर भी लावा का प्रभाव पड़ा है। न जाने कब तक सहना पड़ेगा इसे। ये पूर्णता बुद्धि का विकास होने से पूर्व यदि किसी को शक्तियां मिल जाएं तो कभी कभी ऐसे दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। संपूर्ण देह में ताप का अनुभव हो रहा है और मेरा कंठ भी सूख रहा है। माँ, मुझे जल चाहिए। माँ का हाथ जल गया। तुम्हारी देह तो अग्नि के समान तप रही है। तुम चिंता मत करो अंजना, हनुमान को लेकर शीघ्र ही राजभवन चलो, राजवैद्य इसका भी उपचार कर देंगे। चलो पुत्र हनुमान, राजभवन चलो। बलबला बलबल, ये कैसी वरदानी शक्ति? लावा पीने के बाद से तो लग रहा है इसकी मृत्यु ही हो जाएगी। यदि वरदान की शक्ति थी तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। रावण को कुछ भी बताने से पूर्व मुझे ही समझना होगा कि इसके पास और क्या क्या शक्तियां हैं और कितनी हैं। इस बार ये यज्ञ असफल नहीं होना चाहिए। ये आकर्षण कवच उसी दिन सिद्ध हो गया होता जिस दिन ग्रहण होने वाला था।
परंतु उस वानर बालक के कारण विघ्न पड़ गया। गुरुदेव, मेरे लिए यह आकर्षण कवच अत्यंत आवश्यक है। तुम चिंता मत करो लंकेश, ये रक्षा कवच अवश्य सिद्ध होगा। तुम देखना बिना ग्रहण के भी ग्रहण का प्रभाव कैसे उत्पन्न करता है तुम्हारा ये गुरुदेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। सच में ही ग्रहण जैसा ही प्रतीत हो रहा है। राजमाता कैकसी इस अवैधिक यज्ञ की सफलता के लिए अपने तपोबल से इस यज्ञ स्थल के आकाश और आसपास के वातावरण में ग्रहण की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। मेरे तपोबल से यज्ञ की अग्नि भी प्रकट होगी। आप जैसे गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं जो अपने शिष्यों की भलाई के लिए अपने तपोबल के क्षय होने की भी चिंता नहीं करते। मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है असुरों का उत्थान। लंकेश, मैं तुम्हें नर और वानर से भी सुरक्षा प्रदान करवाऊंगा। इस रक्षा कवच के द्वारा गुरुदेव, क्या ऐसा हो सकता है? अवश्य हो सकता है। मैं इसे अपने पवित्र मंत्रों से सिद्ध करूंगा। इसकी आकर्षण शक्ति से किसी भी असुर को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसमें तनिक भी असुरी प्रवृत्ति हो, तुम अपने वश में कर सकते हो और तुम उससे अपनी इच्छा अनुसार जो चाहो वो कार्य करा सकते हो। जब तक ये कवच पूर्णतया शुद्ध रहेगा, तब तक नर और वानर ही नहीं सबसे रक्षा करेगा तुम्हारी। यज्ञ का संकल्प लो दशानन। इस जल से मेरी देह का ताप कम हो जाएगा। हे
सूर्यदेव को क्या हो गया? बादल भी नहीं है, फिर भी ग्रहण की भांति अंधेरा छाया हुआ है। ये तो अशुभ लक्षण है। हे भगवान, हमारे हनुमान की रक्षा करना। जल में जाने से कुछ शीतलता मिली? नहीं माँ, आप चिंता ना करिए, हनुमान शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। हनुमान को कुछ भी नहीं होगा। रुक जाइए माँ, मेरे समीप मत आइए, मेरी त्वचा तप रही है, आप छूने से ही जल जाएंगी। माँ मेरे समीप मत आइए। नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। आपको शपथ है मेरी, हनुमान को कुछ नहीं होगा माँ, कुछ भी नहीं। मेरे समीप मत आइए। आप चिंता मत कीजिए, युवराज शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। चंदनजल और औषधि के काढ़े से वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी पीड़ा कम हो जाएगी। हनुमान ने जब अग्निदेव की पावक हुताशिनी वाहनी आदि सेना को अपने भीतर समाहित कर लिया था, सूर्य को निगल लिया था, उस समय भी उन्हें कुछ नहीं हुआ था, और उसके बाद तो अग्निदेव ने उन्हें वरदान भी दिया था कि उन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि लावा पीने के पश्चात उनकी देह ताप से भर उठी? हाँ प्रिय, लावा की दाहकता इतनी अधिक होती है कि लौ भी द्रव बन जाए, किंतु इतना लावा पीने के पश्चात भी हनुमान की देह नहीं चली, भस्म नहीं हुई। ये अग्निदेव के वरदान का ही तो प्रभाव था प्रिय। देवी, देह की संरचना में जल वायु अग्नि आदि का एक संतुलन होता है, तभी देह सुचारू रूप से कार्य करती है। हनुमान के लावा पीने से उनकी देह में अग्नि तत्व की अधिकता हो गई और जल तत्व न्यून हो गया, इसीलिए हनुमान अस्वस्थ हो गए। आप सत्य कह रहे हैं द्वारका जी, आहार का देह और मन पर सीधा प्रभाव पड़ता ही है। हाँ देवी रुक्मणी, समुद्र मंथन के समय देवेश्वर महादेव ने भी विष पिया था, उनका कंठ नीला पड़ गया था। आहार का गुण धर्म यही है, जिसने खाया जैसा अन्न उसका बना वैसा मन, इसीलिए मनुष्य को आहार के योग्य पदार्थ का ही आहार करना चाहिए। युवराज इसे पीजिए। कैसा है? काढ़ा ऐसा ही होता है, औषधि समझ के पी लो, स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है।
ऐसा लग रहा है पुत्र। मैं क्या करूं नानी, मेरी प्यास बुझ ही नहीं रही है। शिष्य शीघ्र जाओ, चंदन जल, पुष्प जल एवं शीतल दूध आदि लेकर आओ और युवराज हनुमान की देह पे डालो। युवराज, आपको कुछ शीतलता मिली? नहीं वैद्यराज जी, अभी भी अग्नि सी कुछ जल रही है देह में। ईश्वर, मेरे पुत्र को इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हैं आप? आकर्षण कवच को सिद्ध होने के लिए और कितना समय लगेगा? समय तो लगेगा लंकेश, किंतु कितना ये कहना कठिन है। परंतु इतना अवश्य कह सकता कि इस बार ये रक्षा कवच बिना सूर्य ग्रहण के ही सिद्ध होगा। मेरा तपोबल सिद्ध करेगा इसे। कवच की चमक के साथ ही अब यह यज्ञ पूर्ण होगा। रावण की सहायता करने का अर्थ है संसार में विध्वंस और अति विनाश। देवराज, शुक्राचार्य समस्त असुरों के गुरु हैं, वे रावण के भी गुरु हैं। किंतु गुरुदेव, गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को उचित मार्ग दिखाना, जबकि वे तो रावण को अधर्म के मार्ग पर ले जा रहे हैं। हाँ गुरुदेव, यदि रावण का रक्षा कवच सिद्ध हो गया तो उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएगी, सबके लिए वो अवध्य हो जाएगा, उसके आतंक से समस्त सृष्टि राही माम कर उठेगी, असुर राज करेंगे सारे संसार पर। देवराज, देवी सची, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो अपना गुरु धर्म निभा रहे हैं, वे देव हो, दानव हो या मानव, सबको अपने कर्म और धर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मं प्रसन्नं, प्रसन्न हुए हम। गुरुदेव आप महान हैं, आपका तपोबल कार्य कर रहा है, आकर्षण कवच का सिद्ध होना आरंभ हो गया है।
अपनी संपूर्ण मायावी शक्तियों के साथ सिद्ध हो जाएगा और उसके पश्चात तुच्छ वानर हो या नारायण ने संसार के किसी भी कोने में जन्म ले लिया हो, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। मैं अवश्य हो जाऊंगा सबसे। देखा आपने देवगुरु, ये शुक्राचार्य क्या करा रहे हैं? इन्हें तनिक भी भान नहीं है कि रावण ये शक्तियां पाकर क्या करेगा। शक्ति संचय की होड़ तो देवताओं ने ही आरंभ की है देवराज। यदि देवता हनुमान को इतनी शक्तियां प्रदान न करते तो कदाचित शुक्राचार्य भी रावण को इतनी शक्तियां दिलाने के लिए यज्ञ आरंभ न करते। इस अनिष्टकारी यज्ञ को रोकना ही होगा। नारायण नारायण। अरे आप सब तो रावण के यज्ञ की चर्चा में ही उलझे हुए हैं। उधर संकट मोचन हनुमान स्वयं संकट में है, उनकी पीड़ा का अंत कैसे होगा? हनुमान की पीड़ा भी चिंता का विषय है देवर्षि नारद, किंतु सर्वप्रथम मुझे रावण के इस यज्ञ को रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। यही मेरा उत्तरदायित्व है। हे करुणा निधान, करुणा कीजिए मेरे पुत्र पर। मैंने तो आप सब देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान स्वीकार कर लिए थे और ये संकल्प लिया था कि आपका महान उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मुझसे जो भी योगदान हो सकेगा मैं दूंगी। मुझे ज्ञात है ये मार्ग बहुत कठिन है। हे प्रभु, वरदान आपने दिया है, परीक्षा भी आप ही लेंगे। हे महादेव, हनुमान को इस पीड़ा से मुक्त कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। महादेव, स्वामी, मुझसे हनुमान की असीम वेदना अब और नहीं देखी जाती। ये सत्य है कि उसने वरदान की शक्ति का प्रयोग समझदारी के साथ नहीं किया, किंतु अभी उसका विकास होना है। वह अबोध है, किंतु ज्वालामुखी का मुंह बंद करने या लावा को पी जाने के पीछे उसकी लोक कल्याण की ही तो भावना है। हनुमान ने लावा पीकर अपनी प्रजा को संकट से हरा है। संसार में आप ही मुक्त करा सकते हैं देवादिदेव। आपसे बड़ा वैद्य इस संसार में कोई नहीं। मैं समझ रहा हूं आपका आशय क्या है करुणामयी देवी। कैसा है, उसकी पीड़ा कुछ कम हुई या नहीं? नहीं पुत्री, राजवैद्य ने सारे उपाय करके देख लिए, जड़ी बूटियों से लेकर चंदन तक सब औषधियों का प्रयोग करके देख लिया।
चाहता हूँ। क्या मेरा पुत्र अब स्वस्थ नहीं हो पाएगा? स्वामी, यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। माँ, मैं बार बार आपके दुख का कारण बन रहा हूँ ना, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा मत बोलो पुत्र। विपरीत परिस्थितियों का सामना किया मैंने, महान संकटों में भी साहस के साथ अड़िग रहा मैं, कभी हार नहीं मानी। किंतु आज अपने पुत्र की पीड़ा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हार गया हूं मैं। तब तक नहीं हो सकती जब तक भगवान पे भरोसा है। चिंता चिता तक पहुंचा देती है, देह को नष्ट कर देती है, इसलिए चिंता को त्याग कर आशावान बने रहिए। शेष ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ये कौन विभूतियां हैं? दिव्य तेज पसरा है इनके चारों ओर। कौन हो सकते हैं ये? महाराज, ये बहुत पहुंचे हुए वैद्य हैं, कह रहे हैं कि युवराज का उपचार कर सकते हैं। आपका स्वागत है वैद्यराज। कहां से पधारे हैं? का ठिकाना नहीं पूछते वाले। हम तो रमता जोगी हैं, बहता पानी, आज यहां तो कल कहीं और। उपचार करवाना है तो बताइए। करवाना है महाराज। एक बार इन्हें भी युवराज का उपचार करने का अवसर देकर देख लीजिए। हाँ हाँ सेनापति, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है भला? किंतु महाराज, वैद्यराज मुंह मांगा शुल्क लेने की बात कर रहे हैं। वैद्यराज जी, आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, वचन है मेरा। आप ये सारा राजपाट ले लीजिए, आप कहेंगे तो मैं अभी ये भवन आपको सौंप कर चली जाऊंगी। किंतु मेरे पुत्र को, मेरे हनुमान को स्वस्थ कर दीजिए। महादेव से बड़ा वैद्य और कौन हो सकता है संसार में? अब मेरे हनुमान की पीड़ा अवश्य शांत हो जाएगी। नारायण नारायण। महादेव जैसा वैद्य तो बिरले ही किसी भाग्यशाली को मिलता है। धन्य हो तुम हनुमान,
जो महादेव स्वयं तुम्हारी चिकित्सा के लिए पधारे हैं। आइए वेदराज जी। देखे हुए से लग रहे हैं, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि कहां देखा है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।